आज की जो ड्रग है इट इज कॉल्ड प्रेडनिसोन, जो कि दरअसल एक स्टीरॉइड है। लिहाजा इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग विद द ब्रांड्स, प्रेडनिसोलोन का ब्रांड अवेलेबल है, प्रेडनिसोन टेबलेट्स, इसके अलावा प्रेडनिसोन 10 mg, मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल। डोजेज फॉर्म में देखें तो 5 mg की कंसंट्रेशन है, ओरल सोल्यूशन में 5 mg/ml, टेबलेट्स भी आती हैं 1 से 2.5, 5, 10, 20 और 50 mg, जो डिलेड रिलीज है 1, 2 और 5 mg में अवेलेबल। अच्छा, अब आप क्लिनिकल कंडीशंस पे आ जाएं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव कंडीशंस जो होती हैं उनमें खासकर इस्तेमाल होती है, जैसे कि एज्मा है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो चुकी है, तो 40 से 60 mg यूज होती है पर ओरल सिंगल डोज या डिवाइडेड डोजेज में, 12 घंटे या 3 से 10 दिन तक इस्तेमाल होती है। जायंट सेल आर्टराइटिस में 40 से 60 mg/ml 1 से 2 साल तक इस्तेमाल की जाती है। या जिसी बंदे को थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा हो, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा, उसमें 1 से 2 mg/kg/day इस्तेमाल की जाती है ओरल में। कुछ साइड इफेक्ट्स में मैं जरा बताऊं कि एलर्जी या एनाफाइलेक्सिस या एंजियोएडिमा, वैसे तो ये एलर्जी को बंद करती है, लेकिन साइड इफेक्ट देखा जाए तो कार्डियोवास्कुलर में ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक एरिथमिया हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स हैं। कार्डियक इनलार्जमेंट, सर्कुलेटरी कोलैप्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फैट्स की एम्बोलिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, बच्चों में। अब मायोकार्डियल रप्चर आफ्टर द रिसेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर किसी को MI हुआ है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पल्मोनरी एडिमा है या सिंकपी सांस लेने में दुश्वारी, टैकीकार्डिया, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है या थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, किसी को फिलिबाइटिस है या वास्कुलाइटिस है, स्किन के ऊपर या टिश्यूज में वास्कुलाइटिस हो चुका है, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ये स्टेरॉइड्स हैं, तो एहतियात करना चाहिए। इस तरह की ड्रग्स खुद से इस्तेमाल नहीं करते, अपने डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक, फार्मासिस्ट से मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो प्रेडनिसोन के लिहाज से तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, शुक्रिया।